सब्सक्राइब कीजिए स्मॉल स्क्रीन बिग धमाका यूट्यूब चैनल को और दबाए बेल को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। मुंबई, यहाँ हर रोज जिंदगी जीने के लिए कुछ लोग सही रास्ता चुनते हैं और कुछ जाने अनजाने में गलत। उन्हीं गलत रास्तों में से एक रास्ता है अंडरवर्ल्ड या फिर मुंबई माफिया। राजन भाई, इसको काम मांगता है। क्या नाम है रे तेरा? बल्लू। क्या काम कर सकता है तू? भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे काम चाहिए। कुछ भी कर सकता है? मर्डर कर सकता है तू? भाई मेरे को काम चाहिए। काम चाहिए? पप्पू। जी भाई। जा इसको कपासवाड़ी लेके जा, हफ्ता वसूली पे लगा। जी। और सुन, आज से तेरा नाम बल्लू नहीं बिल्ला होगा। चल। हम कहां जा रहे हैं? दास राजन भाई का नाम लेने का, समझा? चल। और इधर डरने का नहीं। हफ्ता, ये राजन भाई का आदमी है। हफ्ता, राजन भाई। राजन भाई, राजन भाई, हफ्ता, हफ्ता, राजन भाई, राजन भाई, हफ्ता। राजन भाई, आप कहाँ हो? हाँ, मैं ग्लास फैक्ट्री में हूँ। क्या कोई लफड़ा हो गया क्या? नहीं भाई, हम आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, आओ जल्दी आओ। देखा राजन भाई का जलवा, क्या जलवा है अपन का राजन भाई का। चलो। हाँ, काम करने का रे, काम करने का। इधर। जी भाई। बैठने का नहीं, खाली पेले। जी भाई। क्या बात है, क्या बात है, ये तो काम का बंदा है। क्या, चल आज मैं तेरे को एक गिफ्ट देता हूं। देख, इसको रख अपने पास में। मुंबई में जिसके पास होता है ना, उसको सब सलाम ठोकता है। ठीक है भाई। बिंदास काम करने का है क्या? डॉन क्या रे, डॉन के बाप हैं हम। बिल्ला के आने के बाद राजन की ताकत दोगुनी हो जाती है और एक दिन राजन बिल्ला को एक काम सौंपता है। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? इज्जत दी, मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया जो तुझे चाहिए था इस मुंबई में। तू मेरे लिए क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता हूं भाई। सब कुछ कर सकता है? हाँ भाई। मर्डर कर सकता है? मर्डर? हाँ, मर्डर कर सकता हूं। तो फिर सोचता क्या है? ये देख,
ये है बिरजू तबेले वाला, और ये कालू चरसी। अरे अंजलि, आप यहाँ कैसे? घर पर चलिए ना, आइए आइए। हाँ आइए ना, आइए। अक्खा मुंबई में यही दो दुश्मन हैं अपने। आइए आइए ना बेबी। अरे अरे खड़ी क्यों है? अरे आइए ना, आइए आइए ना। अरे बैठिए ना, आइए। मम्मी मम्मी, मेरा बेटा बाहर रह गया। अरे बच्चे का टेंशन मत लीजिए, बच्चा बाहर खेलेगा, आप अंदर खेलिए, आइए। अरे मेरा बेटा बाहर रह गया है। अरे आइए बैठिए। अरे ले गया भैया उसको। अरे चल। हेलो टुनटुन। हाँ भाई। कहाँ है तू? उनका पता चला क्या? जी भाई, मैं लाल ब्रिज के नीचे हूँ। भाई ये दोनों बच के नहीं जाना चाहिए भाई, दोनों अपने अड्डे पे हैं भाई, चलें? अच्छा चलो जल्दी चल। चलो टुनटुन, बच के नहीं जाना चाहिए। हाँ टुनटुन, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है। हाय, वो उधर। रुक टुनटुन, जल्दी। रामजादे, ये है तेरा लास्ट डे। राजन बेला, राजन बेला टेंशन है। हाँ हाँ हाँ, ओके बाय बाय बाय। कल्लू, क्या इधर में कोई लफड़ा नहीं करने का? रे देख, तू नया है, सब काम जो भी करने का वो सोच समझ के करने का। जी भाई। क्या? जी भाई। तेरे को बोला ना, आराम से चल। नहीं नहीं भाई, नहीं, मुझे छोड़ो यार, मुझे छोड़ो भाई। ये साला कल्लू चरसी अपनी मुखबरी कर रहा था। वो एसआई नहीं है नायक, उसको फोन पर अपनी खबरें दे रहा था। तो तुम क्या देख रहे हो? डाल दो साले को पटरियों पे, ट्रेन आने वाली। अरे अरे चल चल चल। अरे राजन भाई, राजन भाई प्लीज, राजन भाई मेरी बात सुनो। राजन भाई, अरे रोको ही नहीं, अरे रोको। डरने का नहीं रे, अक्खा मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन है हम। क्या? मैं किसी से नहीं डरता। नहीं डरता? बिल्कुल नहीं। तो ये ले जा, ऐश कर ऐश।
राजन भाई, बिल्ला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका कैरेक्टर मेरे को जमा नहीं। अरे टेंशन नहीं करने का रे, बच्चा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अखा मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन एम क्या? ऐसे गुर्गों की टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का मस्त क्या? राजन भाई बिल्ला नशे में रहता है आजकल, और बिल्ला को तो अपने नजेड़ी बना दिया। कल्लू चर्सी की कैद से छुड़ाकर बिल्ला अंजलि को अपने घर ले आता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है। खाना लगा दूं? नहीं, खा के आया हूं। लेकर के आया है गर्लफ्रेंड। गिरल फ्रेंड। मिल गई क्या रे गिरल फ्रेंड तेरे को? पर करती क्या है तेरी गिरल फ्रेंड? हीरोइन है भाई। चरस गांजा हीरोइन की बात नहीं कर रहा मैं पूछता हूँ कि वो करती क्या है, क्या करती है वो? फिल्मों में हीरोइन बनने आई है भाई। फिल्मों में काम करती है? क्या बात है, क्या बात है। हीरोइन बनने आई है और आते ही साला उसको हीरो भी मिल गया क्या? साला इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तूने अपन से पूछा ही नहीं भाई। वो पूछना चाहिए था भाई। वो लड़की बहुत परेशानी में थी और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं आपको बता दूं। वो क्या है ना भाई, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसा चाहिए। पैसा? हाँ साला पैसा नहीं है रे अपन के पास में। क्या वो हीरोइन बनने आई है ना, उसको भेज दे किसी के पास, पैसा मिल जाएगा तेरे को। भाई आप ऐसा मत बोलिए, वो मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं मेरी बीवी है। अपन कौन सा उससे निकाह कर रहा है रे, तू तो नाराज हो गया। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, मेरी हेल्प करो ना प्लीज, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे क्या रे तुझको बोला ना रे छोटे, पैसा नहीं है अपन के पास में, चल फूट यहां से, चल भाग तू। राजन की बात सुनकर बिल्ला का खून खौल उठता है, वो राजन को हटाकर उसकी जगह खुद डॉन बनने का ख्वाब देखने लग जाता है। भाई मुझे लगता है राजन भाई आपको रिस्पेक्ट ही नहीं करते। सही बात बोल रहे हैं। सही बात है भाई, आप इतना मेहनत करते हो राजन भाई के लिए और उनकी आंखों में आपके लिए प्यार ही नहीं है। आपको क्या लगता है? कैसे भी करके अपने गुर्गों से राजन का पता लगवाओ भाई, थोड़ा माल पानी कुछ देगा ना भाई।
वो सब हो जाएगा, उसकी टेंशन मत करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा। से पता लगा कर बताओ कि राजन अपने बिल से बाहर कब आता है, ठीक है? अभी तुम जाओ। हाँ 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 भाई, हाँ भाई। ठीक है बिला भाई, आपको भी पैसे दे देता हूँ, लेकिन मुझे तो टेंशन हो रही है कि राजन भी पैसा मांग रहा है। अब राजन को दूं या आपको दूं, मैं तो फंस गया हूँ। तू राजन का टेंशन मत ले सेठ, उसे तो मैं देख लूंगा। बस तू 50 पेटी का इंतजाम कर, ओके? चल। अक्का मुंबई का डॉन कौन? अरे डॉन तो तब बनेंगे जब अक्का मुंबई के लोग अपुन को हब डालेंगे। क्या हुआ भाई, सेठ के फट गए क्या? क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं रे, वो अपना सेठ है ना जमुना दास, उसको राजन ने फोन लगाकर हफ्ता मांगा है। रुक, मैं अभी राजन से बात करता हूँ, साले ने टेंशन दे रखी है। क्यों रे राजन, तूने मेरे क्लाइंट को फोन किया? अबे तू मेरे को जानता नहीं है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपन को बिल्ला बोलते हैं। अबे साला, तू बिल्ला है के बिल्ली ये तो मैं नहीं जानता, पर तू साला अपुन के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता मुझे धमकी देता है। रख फोन। राजन का पता करो कि वो इस समय कहाँ है, साला उसका गेम करना है। ठुकेगा साला। चलो भाई। अरे चलो भाई, चलो चलो। बोलो भाई, क्या बात है पप्पू? हाँ। वो साला बिल्ला है कि बिल्ली? हाँ। वो साला अपुन को बोलता है क्या कि मेरे क्लाइंट को हाथ नहीं लगाने का? भाई ठोक देते ना इसको इधर डायरेक्ट। बोलो तो पप्पू भाई, ठोक दूं क्या? आप गेम बजा दो साले का। ओके ओके। भाई बिल्ला बहुत परेशान कर रहा है, आप जरा ध्यान रखना उसका, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। थोड़ा संभल के रहना, बहुत परेशान कर रहा है बिल्ला। अरे तू काहे को डरता है रे, वो बिल्ला साला तेरे को आदमियों की धमकी देता है। अरे अपुन के पास में आदमी कम है क्या? अरे उस साले कुत्ते के लिए तो राजन अकेला ही काफी है। तू काहे को चिंता करता है, अक्खा मुंबई साला हमारे सामने पानी मांगता है क्या? और तू काहे को चिंता करता है? एंजॉय कर, एंजॉय डू एंजॉय, रोकना मांगता क्या? लेके जाना मेरे से आकर के। ऐश कर ऐश। ही ओके भाई, ओके बाय। हेलो बिल्ला भाई, राजन भाई इधर ब्रिज कंपाउंड में आया है। तू उसका पीछा कर और हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, समझा? हाँ ठीक है, अब आएगा मजा। Thank you.
सिगरेट दे। लीजिए। राजन की तो पुंगी बच गई है, समझे? लेकिन अब पुलिस का मामला है, पुलिस का। अब आप लोग एक महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, कोई भी दिखना नहीं चाहिए, समझे? हाँ, चलिए, हाँ निकलो यहाँ से। ठीक है भाई। पप्पू भाई, बिल्ला भंगारबाड़ी में आयला है। अबे रुक! अबे रुक! 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 तूने राजन भाई को मारा। भाभी, उधर राजन के गुंडे बिल्लू भाई को मार रहे हैं। कहाँ पे? उधर गली में। चलो चलो। किस तरफ? आजा आजा, जल्दी चलो भाभी, चलो। देख, कितना खून निकल रहा, मर गया। अरे उठो, तुम जल्दी से उठो। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? आरती, अब यहाँ पर हम नहीं रहेंगे। क्या हुआ ये मत पूछो, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ से चलो, चलो यहाँ से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। मत पूछो आरती, चलो। आरती,
बस सामान इकट्ठा करो और चलो यहाँ से जल्दी। आखिर हुआ क्या? अरे ये मत पूछो, समय नहीं है क्या हुआ करने की। सामान इकट्ठा करो, बच्चे को तैयार करो, उठाओ सामान, चलो जल्दी जल्दी चलो। बिल्ला ने वो सारे हथियार किसी गटर में फेंक दिए। उस दिन के बाद बिल्ला मुंबई में दोबारा दिखाई नहीं दिया। उसने मुंबई को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ किसी ऐसे शहर में चला गया जहां कोई उसे गुंडा न कहे।